जय हिंद। इस वीडियो में हम अडानी पावर के बारे में बात करेंगे। आज अडानी पावर के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आ भी गया है तथा बेहद शानदार आया है, और शानदार रिजल्ट आने का यह नतीजा है कि आज इसके शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। तो आइए वीडियो में देखते हैं नतीजा कैसा रहा, और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अब हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अडानी पावर जो कंपनी है पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। हालांकि यह रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम नहीं करती, इसके लिए अडानी ग्रुप का एक अलग कंपनी है जिसे अडानी ग्रीन के नाम से जानते हैं। यह बेसिकली सिर्फ थर्मल पावर प्लांट में यानी कि कोयला से बिजली बनाने का काम करती है। देखेंगे आज इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ है 5 मई के दिन, और आज ही के दिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया है। हालांकि इसमें डिविडेंड देने की बात नहीं कही गई है। तो आपको मैं बता दूं कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां, आज उसमें अडानी पावर भी शामिल है, ये सब डिविडेंड नहीं देती हैं। सीधे चलते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ऊपर। देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट आज आया है। इसमें यह जो कॉलम आप देख रहे हैं, मैंने क्वार्टर 4 के नतीजों को बताने के लिए लिखा है। ये कॉलम पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 के लिए है, और यह जो कॉलम आप देख रहे हैं पिछले साल के जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए थे उसको बताने के लिए बनाया गया है। समझेंगे, क्वार्टर 4 में जो अडानी पावर का टोटल रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है 13,307 करोड़ रुपए का। सारे फिगर्स करोड़ में है। तो इस बार जो इसको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो पिछले क्वार्टर में इसको हुआ था 5,593 करोड़ रुपए। यहाँ से काफ़ी शानदार रेवेन्यू इस बार कंपनी को प्राप्त हुआ है। प्रतिशत में अगर बात करें तो देखेंगे लगभग 133% के आसपास इसको रेवेन्यू गेन हुआ है। और अगर साल भर पहले देखेंगे तो यह टोटल रेवेन्यू था इसका 6,902 करोड़ रुपए। यानी कि सालाना स्तर पर भी और क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। सालाना स्तर पर लगभग 93% के आसपास इसका रेवेन्यू हुआ है। अब बात करें अगर खर्चे की, चूंकि कंपनी कमा रही है तो खर्चे भी इसके होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका खर्चा इस क्वार्टर में हुआ है 7,174 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में हुआ था 5,389 करोड़ रुपए का। और अगर साल भर पहले की बात करें तो साल भर पहले के जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था उसमें इस कंपनी का टोटल खर्चा था 6,667 करोड़ रुपए। यानी कि खर्चा जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर सालाना स्तर पर, उसी हिसाब से कंपनी का खर्चा भी सालाना स्तर पर भी क्वार्टरली स्तर पर भी बढ़ रहा है। अब अगर बात करें पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए जो भी कंसोलिडेशन रिजल्ट आता है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मेन होता है। मतलब एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन वो कुछ खास मायने नहीं रखता है। रियल में टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचता है मुनाफा के रूप में, वही होता है पीएटी, और यही हमें जानना ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखेंगे क्वार्टर 4 में टोटल पीएटी इसको हुआ है 4,645 करोड़ रुपये का, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 3 में इसको सिर्फ हुआ था 218 करोड़ रुपये का। तो देखिए 218 करोड़ से 4,645 करोड़ का शानदार प्रॉफिट सिर्फ 3 माह में, ये कितनी बड़ी बात है। अगर इसको आप परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 2,026% का शानदार मुनाफा इसको हुआ है, और एकदम टैक्स ऑफ देने के बाद यानी कि शुद्ध मुनाफा इसको हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर में देखें, मतलब साल भर पहले का जो इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था, तो उसमें देखेंगे ये सिर्फ 13 करोड़ 13 लाख का हुआ था। समझिए साल भर में 35,280% का शानदार मुनाफा इस कंपनी को प्राप्त हुआ है। कितना तेजी से इसका बिजनेस ग्रो किया है। आपको मैं बता दूं कि साल भर पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 100 रुपये के आसपास हुआ करता था, और आज लगभग 300 के आसपास पहुँच गया है। तो रेवेन्यू और इसका शानदार प्रॉफिट होने का मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा से चल रहा है। अब अगर बात करें ईपीएस की, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यह एक साल में एक शेयर पर कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है। तो देखें क्वार्टर 4 में इसका टोटल ईपीएस हुआ है 11.65 रुपया, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ पैसा में था 0.34, और उसके भी पहले साल भर पहले देखेंगे तो तब भी पैसा में था 0.83। यानी कि अर्निंग पर शेयर भी इस बार जबरदस्त बढ़ा है, और ये काफ़ी शानदार है। एक शेयर पर आपको साल भर में 11.65 रुपया कमाई हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, और अडानी पावर तथा अडानी ग्रीन ये डिमांडिंग कंपनी है, फ्यूचर में इनका डिमांड और बढ़ने वाला है। तो अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप धीरे धीरे जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर डाउन जाता है तो बाई कीजिए, अपना क्वांटिटी बढ़ाइए। हालांकि अब शेयर प्राइस इसका डाउन जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर सस्ता मिलता है तो जरूर बाई कीजिए। या अगर आप नया व्यक्ति हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि शेयर प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो हाथ से निकल जाएगा, फिर आप सस्ता ढूंढते रह जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैं जो बताया आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और अगर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन का अपडेट आपको मुहैया कराए जाते हैं, बातें समझने और जानने में आसानी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।